आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.2 पढ़ना है। 4.2 में सवाल कहता है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के हल करें। पहले बार ये आपको बताया गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चार तरह से हल किया जाता है, एक गुणनखंड विधि से, एक स्क्वायरिंग मेथड से, एक सूत्र के द्वारा और एक ग्राफ के द्वारा। तो यहाँ हमें अभी कार्य करना है फैक्टर मेथड द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। पिछले 8th क्लास में, 9th क्लास में आपने द्विघात बहुपद का, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फैक्टर निकालने के लिए सीखा है। आपने वहां सीखा था इसका फैक्टर निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसका फैक्टर। ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें बराबर के बाद तो जीरो नहीं है, तो ये आपका बहुपद, इसका फैक्टर निकालने के लिए आपने सीखा था। तो बस वही गुणनखंड यहाँ पर इस तरह से निकालना, जैसे इसका फैक्टर आ जाए, इसका फैक्टराइजेशन किया जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में दिया जाएगा, तो जैसे हम लोग गुणनखंड पहले से निकाल के आए हैं वैसे ही निकालेंगे और बराबर के बाद यहाँ पर जीरो हम लोग लिख देंगे। सब कुछ वही करना है, सब कुछ वही करना है। तो गुणनखंड निकालने का जो तरीका होता है, पहले वाला गुणनखंड निकालेंगे और उसके बाद अगर इसमें बराबर जीरो दिया हुआ है तो बराबर के बाद यहाँ जीरो लिखेंगे। अब यहाँ देखो गुणनखंड निकालने का मतलब होता है उसको दो रूप में फैक्टर गुना के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर दो टर्म का गुणनफल अगर जीरो के बराबर है तो इसका मतलब होगा कि इसमें एक्स के जगह पर अगर हम माइनस 2 रख दें, माइनस 2 प्लस 2 और इंटू यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 3, तो ये टोटल टर्म हमारा जीरो हो जाएगा और जीरो किसमें गुना करेंगे जीरो हो जाएगा। यानी एक इसका वैल्यू एक बार जीरो ले लेना और एक बार इसका वैल्यू जीरो ले लेना और वहां से x का मान निकाल देना और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसका हल निकल जाएगा। तो हम लोग पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, अगर ये नहीं दिया जाता तो बहुपद हो जाता। पहले जैसे आप 9th क्लास में निकाले थे द्विघात बहुपद का फैक्टर निकालना, गुणनखंड निकालना, बस वही विधि से यहाँ भी निकालना है और इसमें बराबर के बाद जीरो दिया हुआ है जाना है आपको, और ऐसा लिखने के बाद एक बार क्या करना, इस टर्म को जीरो करना, दूसरी बार इस टर्म को जीरो करना, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 बराबर जीरो हो जाएगा या एक्स प्लस 3 बराबर जीरो हो जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा एक्स बराबर माइनस 2 और यहाँ से मिल जाएगा एक्स बराबर माइनस 3 और यही माइनस 2 बार माइनस 3 इस द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हल होंगे। तो इस तरह से जो गुणनखंड विधि में है उसका मूल आपको याद रखना है, एक्स माइनस या प्लस, एक्स प्लस या माइनस ए लिख देंगे या एक्स प्लस बी लिख देंगे। अगर इस फॉर्म में कहा जाएगा एक बार इसको जीरो कर लेना, एक्स प्लस ए बराबर जीरो कर लेना, एक बार इसको जीरो कर लेना, एक्स प्लस बी बराबर जीरो, यहाँ से एक्स बराबर माइनस ए मिल जाएगा, यहाँ से एक्स बराबर माइनस बी मिल जाएगा, माइनस प्लस जैसा रहेगा वैसा रखा के हम लोग इसका मान निकालते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, इसका कहता है कि गुणनखंड विधि से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, हल करना है। हल करने का मतलब x का मान निकालना है। तो पहले हम इसका फैक्टर निकाल लें और फैक्टर तो आप पहले से निकाले थे, शुरू वाला लास्ट वाला गुना करते हैं, बीच वाले को दो भाग में तोड़ते हैं। तो जो पहले आप पढ़े हुए हैं शुरू वाला लास्ट वाला गुना करोगे माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगा। इसको दो भाग में तोड़ना है, किसको, माइनस 3x को दो भाग में तोड़ना है। तो माइनस 3x को दो भाग में ऐसा तोड़े किसको जोड़ घटा करके हमारा इतना आ जाए, गुना करके इतना आ जाए। ये सारा चीज आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, दोबारा इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, आसानी से आप इसको निकाल सकते हो क्योंकि आपने 9th क्लास में और बहुत पढ़ा है।
ठीक है, तो अब इसको हम आगे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5x प्लस हो जाएगा 2x माइनस 10 बराबर 0। मतलब ये दोनों का गुणनफल इसके गुणनफल के बराबर होना चाहिए और दोनों को इसको जोड़ा जाए या घटाया जाए तो हमारा इसके बराबर होना चाहिए। ये सवाल पहले से जानते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से x इसको गुणनफल के रूप में जैसे पहले बनाते तो वैसे ही बनाना है। एक्स यहाँ से कॉमन निकाल लिया, यहाँ बच गया एक्स माइनस 5 प्लस 2, यहाँ से कॉमन निकाला एक्स टू 5 या 10 यहाँ बच गया और बराबर 0। और ध्यान रखना ये दोनों टर्म आपका बराबर आना चाहिए, पहले भी क्लास में पढ़ाया गया था गुणनफल निकालने में ये चीज जरूरी होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 2 यहाँ से ये आपका कॉमन निकल जाएगा और एक्स माइनस 5 हो गया बराबर 0। फिर यहाँ हमारा इस फॉर्म में आ गया दो टर्म के गुणनफल के रूप में और गुणनफल का वैल्यू यहाँ 0 दिया हुआ है। एक बार पहला को 0 मान लेना, एक बार दूसरा को 0 मान लेना और फिर वहां से x का मान आसानी से निकाल लेंगे। ये कोई ज्यादा नया चीज नहीं है, पहले वाला ही है, केवल यहाँ 0 आपको बढ़ा दिया गया है बस। इसलिए यहाँ लिखेंगे क्या, x प्लस 2 बराबर 0 या x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकाल लो, यहाँ से x बराबर 0 माइनस 2 माइनस 2, यहाँ से x बराबर होगा 0 प्लस 5 5। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो हल होंगे माइनस 2 और 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग गुणनखंड के विधि द्वारा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ सवाल दिया हुआ है आप बनाएंगे। एक क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला था। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देख लेते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखो, लिखा है रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। ठीक है, ऐसा नहीं रूट दिया हुआ है तो उसको देख करके आप लोग घबरा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, नियम वही है आपका। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x क्वेश्चन नंबर 2 पहला का दूसरा है, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। तो वही जो पहले नियम हम लोग पढ़े थे कि शुरू वाला लास्ट वाला गुना करेंगे और बीच वाले को दो भाग में तोड़ना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ देखो रूट 2 को 5 रूट 2 में गुना करेंगे, रूट 2 को 5 रूट 2 में गुना करेंगे, ये हो जाएगा 5 इंटू रूट 2 रूट 2 2 हो जाएगा 5 प्लस 10, यानी हमको 10 लाना है और बीच वाला 10 हमको एक्स स्क्वायर लाना है और बीच वाला टर्म हमारा कितना आ रहा है 7x है। तो बहुत आसानी से इसको 5x में और 2x में आप फोड़ सकते हो, बस शुरू वाला लास्ट वाला गुणा करके हमको 10 आया है और 7 को तो 10 बहुत आसानी से आप लोग ला सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, हमको यहाँ से मिल जाएगा रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2 में और एक्स 5 में, यहाँ लिखो 2x यहाँ 5x और यहाँ हो जाएगा 5 रूट 2 बराबर 0, 5 रूट मिला के 7 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखो, अब यहाँ से हमको कॉमन निकालना है, वैसा चीज ढूंढना है जो दोनों में मिले तभी तो कॉमन निकालेंगे। तो 2 में आपको पता है कि एक 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 दो बार लिख सकते हैं, इसमें भी रूट 2 है और यहाँ रूट 2 है x है, तो हम यहाँ से क्या कर लिया रूट 2 एक्स कॉमन निकाल लिया, इसमें केवल क्या बचेगा x बचेगा। ठीक है, और यहाँ भी हमने देखा कि एक 2 में 2 रूट 2 है तो एक रूट 2 और x निकला कि यहाँ पर बच जाएगा रूट 2 प्लस 5, यहाँ से कॉमन निकाल ले और यहाँ से तो आसान मिल गया एक्स प्लस रूट 2 बराबर 0। और ध्यान देना ये दोनों टर्म हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं, देख लेना चिन्ह के साथ, वो अगर आ गया बराबर तो समझो कि आपका फैक्टर निकाला गया सही है। अब क्या करेंगे, एक्स प्लस रूट 2 पहला वाला ले लिया, इसमें भी है, यहाँ से इसको कॉमन निकालो, यहाँ क्या बचेगा रूट 2 एक्स रूट 2 रूट 2 एक्स प्लस 5 बराबर 0। और फिर यही इस नियम पर आ गया, दो टर्म का गुणनफल 0 के बराबर, या तो पहला 0 कर दो या तो दूसरा 0 कर दो, इसलिए क्या लिखेंगे एक्स प्लस रूट 2 बराबर 0 या रूट 2 इंटू रूट 2 एक्स
प्लस फाइव बराबर जीरो। यहाँ से x का मान इजीली आप निकाल सकते हो, x बराबर माइनस रूट टू और यहाँ से कितना हो जाएगा x बराबर फाइव चला जाएगा उधर माइनस फाइव और रूट टू चलाएगा बटा में कितना लगा फाइव माइनस फाइव बटे रूट टू। यानी यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो हल आ रहे हैं कितना कितना माइनस में रूट टू और माइनस में फाइव रूट टू। देख लो आप आंसर मिला के देख लो इसका। तो इस तरह से हम लोग गुणनखंड के से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल निकालेंगे। चौथा में आप क्या करोगे, ये आपका तीसरा सवाल हुआ, तीसरा सवाल चाहिए ठीक है, दूसरा नहीं था, दूसरा आपको खुद बनाना है, ये तीसरा सवाल था। क्वेश्चन नंबर चार देख लेते हैं, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, आप लोग खुद बना लेना। क्वेश्चन नंबर चार में लिखा है टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एट बराबर जीरो। तो ऐसा करो, यहाँ से पहले एट को हम खत्म करना चाहेंगे एलसीएम लेकर के, एट यहाँ ले आओ, यहाँ हमारा हो जाएगा एट प्लस सिक्सटीन, सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा एट एक्स प्लस वन बाई एट, एट को जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे ये जीरो हो गया और आप इसका गुणनखंड निकाल सकते हो। सोलह माइनस चार माइनस चार में तोड़ लेंगे यहाँ से आपका निकल जाएगा, हो जाएगा ठीक है। तो ये आप लोग खुद कर लोगे, यहाँ से इसको तोड़ लोगे माइनस फोर एक्स में माइनस फोर एक्स में आसानी से इसका फंक्शन निकल जाएगा, इतना कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर फाइव, वो भी आसान सवाल है, टेन है माइनस हंड्रेड एक्स स्क्वायर है माइनस ट्वेंटी है तो कितना कितना में टूटेगा, माइनस टेन माइनस टेन, हाँ बिल्कुल सही है, माइनस टेन और माइनस टेन में टूटेगा। चलिए तो ये पहले का पांच सवाल है, अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर टू, दूसरा सवाल तो आपका उदाहरण में दिया हुआ है, तो आप देख के समझे कि उस तरह का सवाल आ गया है, बताएगा तो बताया जाएगा। अभी हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर तीन, ठीक है क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर टू आपकी किताब के उदाहरण में बनाया हुआ है, आसान सवाल है बन जाएगा, नहीं होगा फिर पूछ लेना। कहता है ऐसी दो संख्या ज्ञात करें जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। चलिए ये आसान सवाल, दो संख्या है दोनों को जोड़ने पर हमको 27 आ रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको 27 और मल्टीप्लाई करने पर 182 आ रहा है ठीक है। तो इसमें से हम एक संख्या को माना कि पहली संख्या, पहली संख्या को एक्स मान लेंगे तो बता सकते हो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या हमारा हो जाएगा 27 माइनस एक्स ठीक है। एक संख्या एक्स माना, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो एक्स प्लस 27 माइनस 27 हो जाएगा। अब सवाल करता है कि दोनों का मल्टीप्लाई करने कितना आ रहा है 182, दोनों का मल्टीप्लाई करो पहली संख्या को दूसरी संख्या भाई, क्वेश्चन में जो किया हुआ उसके अनुसार क्या कर रहा है, दोनों का गुणनफल यानी पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या कौन 27 माइनस एस बराबर कितना 182। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले आया, इसको लिख दे यहां से कितना हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इसको एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ या माइनस कॉमन निकाल, इसको उधर ले जाते हैं एक्स स्क्वायर, इसको उधर ले जाते हैं माइनस 27x, उधर हमारा 182 है प्लस 182 बराबर जीरो। अब आप क्या करेंगे इसका फैक्टर निकालेंगे, तो सोचिए कितना कितना में छूट रहा है, 182 लाना है 27 को तोड़ करके ठीक है, 182 लाना है 27 को तोड़ करके तो कितना कितना में छूटेगा सोचिए, कोशिश करें ट्राई करें आप लोग, 182 लाना है रहा है, देखो कोशिश करो 182 लाना है 27 को तोड़ कर जी, नहीं 15 12 करोगे तो 180 हो जाएगा, 15 12 में होगा नहीं, हमको प्लस लाना है, ये दोनों हमारा 20 दोनों हमारा माइनस में होगा, दोनों माइनस में होगा ध्यान से देखो इसको कितना कितना में टूटेगा सोचो, छोड़ दे अपना आप लोग बनाए इसको कोशिश करो
चलो देखो कितना कितना में आ रहा है। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, कुछ गुना बात है देखो। 27 तोड़ना है, 182 लाना है। चलिए आप लोग को छोड़े, बनाइए बनाइए उसको, देखिए कोशिश करें। नहीं हुआ देखो 19 और 8 में तोड़ के देखो तो 9 9 6 2 आए, 19 8 में नहीं खिलेगा, 19 8 का टाइम पूरा 19 8 में नहीं खिलेगा। चलिए जो था आप चेंज करें इसको, देखो 19 8 में नहीं खिलेगा। हाँ ट्राई करो उसको देखो। चलिए ट्राई किया आप लोग, चल अगर परेशानी हो तो क्या करेंगे, 182 लाना है तो 182 इसका निकालो, प्राइम फैक्टर निकालो, 2 से कटेगा 2921, 7 से कटेगा 13 बार, क्या मिला 2 × 7 × 13, 7 × 14, 14 और 13 में तो टूटेगा आसानी से ये, तो ये हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182 बराबर 0। ऐसे ही आपको नाइन्थ क्लास में बताया गया था, अगर आसानी से टूटता है तो बोल के गुणा कर निकाल लेंगे, और नहीं तो इस तरह से प्राइम फैक्टर निकालने के बाद देखो कौन कौन सा इसमें से सेट किया जाए कि हमारा इसके गुणनफल के बराबर आ जाए। ठीक है, चल इस तरह से हम लोग इसको निकाल लिए, तो आप यहाँ से अब इसका फैक्टर कर देना है, यहाँ से x कॉमन ले लो तो x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन ले लो तो x माइनस 14 बराबर 0, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 14 इंटू x माइनस 13 बराबर 0, यहाँ से क्या मिलेगा x बराबर 14 और यहाँ से मिलेगा x बराबर 13, यानी इसके दो वैल्यू हो जाएंगे, एक 13 हो जाएगा और एक 14 हो जाएगा, ये इसका आपका आंसर। इस तरह से आप इसका आंसर निकालोगे। चलिए हुआ क्वेश्चन नंबर 2, बस वैसा जैसे सवाल दिया हुआ है वैसे वैसे उसको आप सेट करते जाओ और बहुत आसानी से ये सारा चीज आपको बनते जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर इसी तरह का है, क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं, आप बनाए हुए खुद इसको, कुछ सवाल अपने से ही बनाया करो। दिया है 2 कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। 2 लगातार धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर लेना है, लगातार पहले ही बनाया गया था, एक संख्या 12 13 14 इस तरह से लगातार लेना है, तो उसमें एक संख्या को आप x मान लोगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। अब सवाल कहता है कि दोनों का स्क्वायर करके जोड़ो, कहता है जो धनात्मक पूर्णांकों का पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग यानी इसका वर्ग प्लस इसका स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करके जोड़े, कहता है कि दोनों के वर्गों का योग यानी पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो योगफल कितना कहता है 365 है। इसको आप मान लो पहली संख्या और ये आपका हो जाएगा दूसरी संख्या, दोनों का स्क्वायर कर दिया इसको जोड़े, तब यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप ले लेगा, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस इक्वेशन में तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365, यहाँ दोनों मिला दो इसको, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। इक्वेशन को आप थोड़ा छोटा कर सकते हो क्योंकि ये सारा 2 से डिवाइड हो रहा है, इसको लिख दो एक्स स्क्वायर, ठीक है 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं ताकि आगे का काम आसान पड़ेगा, प्लस हो जाएगा एक्स माइनस 364 बराबर 0, और अब हमको इसका फैक्टर निकालना है, जैसे इस सारे सवाल का फैक्टर निकाले तो बस निकालेंगे 364 लाना है 1 को तोड़ करके, तो फिर इसी तरह से आप निकालो इसको 364 से
निकाल के बताइए जल्दी जल्दी कितना कितना होगा, 364 से कितना कितना मिला जाएगा, जल्दी जल्दी बोलिए उसको, कर लोगे खुद अपने से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए, कितना कितना में आ जाएगा देखो यहाँ से, ठीक है 2x1 2x2 2 9 1 और ये हो जाएगा 7 और फिर भाई वही आ गया 14-13 फिर आ जाएगा 14-13 आएगा 2x2 x + 2x - 364 = 0 2 से डिवाइड किए थे तो यहाँ पर आप छूट रहा था आपका तो जगह x² + 1 और 2 से यहाँ विभाग करेगा तो हो जाएगा 1x2 = यहाँ आ गया 0 इसको करना है ठीक है x² + 1 - 182 तो अब हमको 182 लाना है ठीक है तो निकालो देखो तो 14-13 में खुल जाएगा 14-13 वही हमको 182 अभी आया था तो 14-13 वाला आ जाएगा यहाँ से तो यहाँ हम लिख लेंगे x² + 14x - 13x - 182 = 0 फिर यहाँ से आप फैक्टर निकालो आसानी से x + 14 - 13 कॉमन लेंगे माइनस बाहर आ गया x + 14 = 0 बाकी पहले जैसे बनाया तो बना लेना इसको यहाँ से हो जाएगा x + 14 और x - 13 = 0 तो एक बार इसको जीरो करना एक बार इसको जीरो करना तो जैसे ही इसको जीरो करेंगे कि यहाँ से हमको मिल जाएगा x + 14 = 0 तो x - 14 और यहाँ से मिलेगा हमको x - 13 = 0 तो x यहाँ मिलेगा 13 अब सवाल में दे रहा था कि दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ये तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है नहीं सवाल में कह रहा है धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव संख्या ये तो पॉजिटिव है नहीं तो हम इसको लिख देंगे कि ये हमारा संभव नहीं है क्योंकि ये नॉट पॉसिबल ये पॉजिटिव नहीं है तो हमारा कितना हो जाएगा एक्स का वैल्यू कितना आ गया 13 यानी पहली संख्या हमारा 13 मिल गया तो दूसरी संख्या हमारा कितना हो जाएगा एक 13 संख्या हो जाएगा उसके बाद पहली संख्या हमारा 14 हो जाएगा ये हमारा एक्स का आंसर आ जाएगा ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल कहता है कि उसकी ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया जनरली हम इसको आधार मानेंगे इसको ऊंचाई मानेंगे तो ऊंचाई कहता है कि उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है आधार को x मानेंगे ऊंचाई हमारा हो जाएगा x - 7 और इसमें कहता है यदि उसका कर्ण हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर ये इसका जो हाइपोटेनस दिया है कर्ण दिया है ये कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर है तो हमें निकालना है क्या इसमें तो यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दोनों भुजा निकालना है यानी इसका व्यास कितना होगा इसका जो ऊंचाई है कि ये कितना होगा क्योंकि ये त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज है और पहले आप पढ़ चुके हो समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस का जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के
बराबर होता है जी, बराबर होता है। यहां क्या लिखा जाएगा, इसका स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, पहले से पढ़ते हो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सेवन का स्क्वायर बराबर थर्टीन का स्क्वायर, ये आपको आगे की इक्वेशन में आपका आ जाएगा और यहाँ से आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको एम ने बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस फोर्टी नाइन बराबर वन सिक्सटी नाइन, यहाँ हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स और वन सिक्सटी नाइन इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस वन ट्वेंटी, ठीक वन ट्वेंटी। अब ये हो जाएगा टू से इसमें डिवाइड कर दो और आसान हो जाएगा, ये यहाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं टू से ये सब हमारा डिवाइड हो रहा है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्सटी बराबर जीरो। अब यहाँ को साठ है सेवन है तो यहाँ आसानी से निकाल सकते हो, बारह में पार्ट में टूटेगा बारह पार्ट में टूटेगा तो यहाँ से इसका आसानी से निकाल लोगे। तो क्या कर लोगे यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्सटी बराबर जीरो, यहाँ से निकाल लो इसको क्या मिलेगा एक्स कॉमन निकाल ले एक्स माइनस ट्वेल्व प्लस फाइव कॉमन निकाल लो, यहाँ क्या मिलेगा एक्स एक्स माइनस फाइव ट्वेल्व दस सिक्सटीन एक्स माइनस ट्वेल्व बराबर जीरो, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस ट्वेल्व, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस ट्वेल्व इंटू एक्स प्लस फाइव बराबर जीरो। अब हम लोग एक बार इसको जीरो करते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा हमको इसलिए एक्स बराबर ट्वेल्व और यहाँ से मिल जाएगा एक्स बराबर माइनस फाइव सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो राइट एंगल का साइड तो निगेटिव तो खैर होगा नहीं तो इसको हम लोग छोड़ देंगे एक्स बराबर बारह सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये चीज हमको निगेटिव में आएगा नहीं, किसी भी लंब की लंबाई लेंथ लंबा को निगेटिव में नहीं लिखेंगे। तो एक्स बराबर बारह सेंटीमीटर हमने क्या माना था बेस को एक्स माना था तो उसका जो आधार हो जाएगा आधार 12 सेंटीमीटर और उसकी जो ऊंचाई मांग रहा है हाइट कितना होगा उसका ऊंचाई हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ये 5 आपका है। लास्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 6 और ऐसा ही सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में जो लिखा था कि उदाहरण 1 से जो लेना है इसी तरह का सवाल है, थोड़ा सा इसका इक्वेशन टेबल देखो बाकी आप सॉल्व कर लो बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक फैक्ट्री वाला है एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है, कुछ बर्तन बनाता है, माना कि एक दिन में एक सौ बर्तन बनता है, उस कंपनी में फैक्ट्री में माना कि एक दिन में एक समर्थन बनता है, एक विशेष दिन किसी खास दिन या देखा गया कि प्रत्येक नग यानी एक नग का निर्माण लागत यानी एक नग बनाने में जो खर्च होता है, ठीक है, प्रत्येक दिन का निर्माण लागत क्या कहता है रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के डूबने से तीन अधिक है, प्रत्येक नग का लागत, ठीक है, पर सवाल के अनुसार जो दिया हुआ है प्रत्येक नग का लागत, नग में एक पीस का होता है प्रत्येक नग, प्रत्येक नग का लागत कहता है कि उस दिन जो निर्माण किया गया बर्तन की संख्या है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दुगने से तीन अधिक है, यानी एक नग पर एक नग का लागत उस दिन जितना बर्तन तैयार किया गया था उसके दुगने से तीन अधिक है। हमने माना था कि किसी विशेष दिन में एक बर्तन तैयार किया गया था तो एक बर्तन प्रत्येक नग का लागत, सवाल स्पष्ट लिखा है प्रत्येक नग का लागत
उस दिन तैयार किए गए बर्तन की संख्या के दुगने से तीन अधिक है तो प्रत्येक नग का लागत हो जाएगा उस दिन तैयार किया गया बर्तन एक्स का दुगना 2x + 3। ये लागत है ये रुपया महोदय, यानी एक नग का लागत इतना रुपया होगा और उस दिन एक्स बर्तन तैयार हुआ था इसलिए कुल लागत कितना हो जाएगा। कुल लागत एक बर्तन एक नग का लागत इतना है, अगर हम 5 नग बनाते इसका 5 गुना रुपया हमको लगता, हमने एक नग बनाया है तो कुल लागत हमारा कितना हो जाएगा, बर्तन की संख्या गुने पर एक नग का लागत यानी x × 2x + 3 और यह कुल लागत कितना के बराबर है। सवाल में देखो बर्तन की संख्या गुने से 3 अधिक, जबकि उस दिन का कुल लागत रुपया 90 है, 90 रुपया लागत तो बराबर कुल लागत यहाँ हो गया 90 रुपया और यही हमारा द्विघात समीकरण यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको 2x² + 3x - 90 = 0 और अभी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, आसानी से आप इसको हल कर सकते हो। क्या हल हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, यहाँ प्लस 3 है 90 है 2 है इसमें कोई डिवाइड नहीं हो रहा है। चलिए तो इधर मल्टीप्लाई कर दिया 180 आ गया, यही लाना है तो कितना, हाँ 15 बार, ठीक है 15 बार आएगा, ठीक है 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। ये सब चीज आप 9th में पढ़े हो अच्छी तरह से, अगर प्रॉब्लम है तो एक बार 9th का फैक्टर वाला चैप्टर आप बना लो बहुत आसानी से, यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम फिर नहीं होगा। चलिए तो यहाँ से हम एक्स कॉमन इसको इसका साथ रख लेते तो कुछ आसान हो जाता, फिर पहले माइनस कर देते हैं -12x + 15x और यहाँ से हम 2x कॉमन निकाल लिया, ठीक है इससे कोई दिक्कत नहीं है, 15 पहले भी लग गया क्या बना सकते हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है 2x यहाँ से x - 12 + 15 कॉमन निकाल लिया, x माइनस सिक्स यहाँ हो x माइनस सिक्स, ये देखो ये दोनों बराबर होना चाहिए, अगर बराबर नहीं हो रहा है तो समझो कि ऊपर में कहीं पर कुछ आपका मिस्टेक हो रहा है, जैसे अभी हो रहा है हमने 12 लिखा था, तो ये चीज आपको ध्यान देना ये आपको बराबर होना चाहिए। चलिए यहाँ हो जाएगा x - 6 × 2x + 15 = 0 और यहाँ से 2 टर्म का गुणनफल 0 के बराबर है, या तो पहला 0 होगा या तो दूसरा 0। चलिए पहला को 0 करते हैं x - 6 = 0 या 2x + 15 = 0, यहाँ से x = 6 और यहाँ से x = मिलेगा -15/2। देख लो ठीक, x का मान यहाँ माइनस में आया तो उस कंपनी में फैक्ट्री में किसी बर्तन को बनाना है तो उसकी संख्या तो निगेटिव हो नहीं सकती है, अच्छा ये क्या हो जाएगा संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है अतः x का वैल्यू 6 आया, मतलब उस फैक्ट्री में प्रतिदिन उस विशेष दिन x बर्तन बने थे, यानी कितने बर्तन बने थे उस विशेष दिन में, बर्तन की संख्या कितना हो जाएगा 6, बर्तन की संख्या बराबर 6 और प्रत्येक नग का लागत कितना हो जाएगा, प्रत्येक नग का लागत, लागत कहाँ कहता है अभी आपने देखा था कि बर्तन की संख्या के दुगने से 3 अधिक तो 6 के दुगना से 3 अधिक तो 2 × 6 = 15 ये रुपया में आ जाएगा, यानी उस दिन उस फैक्ट्री में 6 बर्तन बने और प्रत्येक नग का लागत कितना हो गया 15 रुपया हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा एक्सरसाइज 4.2। चलिए इसको हम बाकी फिर हम लोग अगले क्लास में अगले घंटे में फिर देखेंगे, ठीक।